दार्जिलिंग के मॉल रोड पर चटोरों के लिए क्या है, आइए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, शाम के समय यहाँ पर इस तरह के खोमचे ठेले शुरू हो जाते हैं लगने। ये परमानेंट लगते हैं, हर रोज यही लोग आते हैं। और देखते चलिए, मैं आपको दिखाती जाती हूँ क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। मोमोज की तो यहाँ पर ढेर सारी वैरायटी है, आइए सब दिखाती हूँ मैं आपको। ये सारे चिकन के हैं, चिकन और वेज दोनों मिला देते हैं। राम आई ना, चिकन मामा वेज मामा क्या लेना है, गर्मा गर्म होगा, पार्सल होगा। और ये क्या, चिकन शफल है, ये ऐसा बनेगा, बन रहा है तो अभी गर्मा गर्म। यहाँ पर मोमोज की तरह फ्राइड करके या स्टीम करके ही चिकन भर के उसके अंदर चीज़ें बनाई जा रही हैं। लाइन से देखिए स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये रात के 9:30 बजे तक लगे रहते हैं। ये क्या बना रहे हैं? ये मोमोज नहीं है, ये चिकन बॉल है। यहाँ पर दार्जिलिंग चाय बेच रहे हैं, जो स्टोर्स में बेचते हैं उससे बहुत सस्ती बिक रही है, लेकिन मुझे उसमें वो मज़ा नज़र नहीं आया जो ब्रांडेड चाय में होता है, इसलिए मैंने तो यहाँ से ख़रीदी नहीं। लेकिन ये 450-450 रुपए किलो बेच रही हैं, जो कि ड्राइड लीव्स हैं। ये वेजिटेरियन स्टॉल है और ये प्याज के पकौड़े बनाकर बेच रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ क्योंकि नॉन वेज बिक रहा है इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई यहाँ से भी लेकर खाने की, लेकिन ये वेजिटेरियन प्याज के ही पकौड़े हैं और ये खा रहे हैं। टेस्टी है, बढ़िया है, आप खा के टेस्ट कर लीजिए। कर लीजिए, क्या तो रहे हैं व्याज। और इस स्टॉल पे भी चिकन की ही कोई डिश बन रही है, बड़े से तवे पर प्याज और कैप्सिकम को पहले रोस्ट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये दो बड़े बड़े मोमोज बन रहे हैं, इनके अंदर भी चिकन भरा हुआ है। इतने बड़े साइज के मोमोज मैंने पहली बार ही देखे हैं। अब इसके ऊपर इन्होंने चिकन डाल दिया है और अब इसकी डिश बना रहे हैं। दार्जिलिंग कुछ लोग यही खाने के लिए आते हैं, ये यहाँ का लोकल फूड है, स्ट्रीट फूड जिसको बोलते हैं, और बहुत फेमस है। अगर आपको नॉन वेज पसंद है तो दार्जिलिंग सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। यहाँ पर भी स्पैगेटी और नूडल्स ही बन रहे हैं। यहाँ पर नूडल्स बहुत खाते हैं लोग और अलग अलग वैरायटी के बनते हैं, अलग अलग टेस्ट के बनते हैं।
यहाँ पर ये मैडम भी कुछ नॉन वेज बना रही हैं और लाइन लगी हुई है इनके पास कस्टमर्स की, बनने से पहले ही लाइन लगी हुई है लोगों की। इनके पास बड़े छोटे स्टीम्ड फ्राइड सभी तरह के बड़े बड़े छोटे छोटे मोमोज रोल्स और भी बहुत कुछ है, नूडल्स भी हैं और पैकिंग का काम भी चल रहा है इनके पास। लोग बाग यहाँ पर आकर खा भी रहे हैं और पैक भी करा कर ले जा रहे हैं। चिकन बॉल्स हैं और नॉन वेज आइटम्स ज़्यादा हैं, ये देखिए ये भी पैक करके दे रहे हैं नॉन वेज। तो इस तरह का सामान यहाँ पर बहुत बिकता है खाने का, जितने भी चटोरे हैं। दार्जिलिंग मॉल रोड पर बने रहते हैं 9-9:30 बजे तक ये सारे स्टॉल्स लगते हैं। अगर किसी दिन बारिश हो गई तब तो ये नहीं लगेंगे, लेकिन जिस दिन मौसम साफ़ हुआ तो 6 बजे 6:30 बजे से लगने शुरू हो जाते हैं और 9-10 बजे तक यहाँ पर लगते हैं। ये एग वाले वेज नूडल्स हैं। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर आए हैं हमें रोटी सब्जी नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है, दार्जिलिंग में आपको रोटी सब्जी भी। ये दार्जिलिंग की स्पेशल चीज बन रही है, क्या बन रहा है ये? चपाती। चपाती, और ये साथ में ये बनाया है इन्होंने, ये क्या है? अनियन पकौड़ा बनाया है। ये प्याज का पकौड़ा है, ये आलू है, आलू भुजा स्पेशल है। आपको यहाँ चाट पापड़ी, छोले भटूरे, झाल मुड़ी, पानी पूरी सभी कुछ मिलेगा। ढूंढने पर आपको सभी कुछ मिलेगा। खाने की वैरायटी बहुत है, लेकिन हाँ यहाँ का लोकल फूड ज़रूर खाएं। अगर दार्जिलिंग आए तो मॉल रोड पर यहाँ का लोकल फूड ज़रूर खाएं, तभी आपको लगेगा कि आप दार्जिलिंग आए हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और स्वाद कैसा हो रहा है मुँह का, टेस्ट बदला या नहीं? आपको इन सब में से खाने की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।